हे गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे पौधे बताऊंगी जिनको आप इस महीने में, मतलब सितंबर के महीने में, आप बहुत आसानी से कटिंग से लगा सकते हैं। लेकिन वो हैंगिंग प्लांट होंगे, आप बास्केट में लगाकर उन्हें बहुत ही अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कटिंग के थ्रू बहुत ही आसानी से ये पौधे ग्रो हो जाते हैं और बहुत ही सुंदर लगते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। और जिस किसी ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करती हूँ मैं इस खूबसूरत से पौधे के साथ। इसका नाम है बेबी टियर और बहुत ही खूबसूरत इसकी छोटी छोटी सी लीव्स होती हैं। ये देखिए, मैं दिखा रही हूँ बिल्कुल पास से, बहुत ही प्यारी लगती है, बहुत ही सुंदर लगता है। और जब पूरा इस तरीके से बड़ा सा प्लांट हो जाता है ना, तो आपके बास्केट को भी ये कवर कर लेता है। ये देखिए, बास्केट में लगा हुआ है, बहुत ही क्यूट लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये बास्केट के लिए। इसका मदर प्लांट यहाँ पर ये रखा हुआ है, इसी से मैंने कटिंग लेकर ये सारे जो है ये बना रखे हैं। यहाँ पर भी एक बहुत सारे प्लांट आप इससे कटिंग के थ्रू बना सकते हैं, बहुत ही सुंदर लगते हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी ये है और बास्केट तो आपको दिखाई दे ही नहीं रही है, इतनी सुंदर तो इसके जो है लीव्स होती हैं। दूसरा जो पौधा है ये वॉन्डरिंग ज्यू का है, बहुत ही सुंदर लगते हैं। और देखिए, इसकी जो है रूट्स इस टाइम पर बाहर आ जाती हैं, तो बहुत आसानी होती है कटिंग्स को लगाने में, बहुत ही जल्दी से ये ग्रो हो जाती हैं। जैसे ही इनको मिट्टी मिलेगी, मिट्टी में जैसे ही टच होंगे, बहुत आराम से ये ग्रो हो जाएंगे। और इसकी जो है, मैं आपको बास्केट भी दिखा देती हूँ, मैंने जो है हैंग कर रखी है। ये देखिए, यहाँ पर बहुत ही सुंदर लगती है दोस्तों। ज़रूर एक बार ज़रूर लगाएं आप इनको बास्केट में, बहुत प्यारी लगेगी। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये देखिए, ये है टर्टल वाइन, बहुत ही सुंदर। देखिए कितनी लंबी इसकी ब्रांच हो गई है। और मैं आपको बता दूँ, ये मैं एक बार कट कर चुकी हूँ, उसके बावजूद ये इतनी लंबी हो गई है, बहुत सुंदर लगती है। एक बार अगर आपने इसको लगा लिया ना, फिर आपके गार्डन से कहीं भी नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी जो है ना, जो ये होती हैं ब्रांचेस होती हैं, इसमें देखिए रूट्स होती हैं, जैसे ही टूट के ज़मीन में गिर जाती हैं या मिट्टी में भी गिर जाती हैं, तो भी ये जो है वहीं पर ही अपनी जड़ें बना लेती हैं। बहुत सुंदर लगती है, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये हैंगिंग के लिए। अगला जो पौधा है ये है, देखिए, टेंगल हर्ट। ये भी कुछ टर्टल वाइन की तरह ही होता है, लेकिन इसकी पत्तियाँ थोड़ी मोटी होती हैं, बहुत ही सुंदर लगती हैं। और ये देखिए, बहुत सारी बास्केट मैंने इसकी बना रखी हैं, बहुत ही सुंदर लगता है। देखिए नीचे को ये लटकनी शुरू हो गई हैं, ये देखिए कितनी लंबी लंबी हो जाती हैं, बहुत ही प्यारा लगता है। कटिंग से बहुत ही जल्दी ग्रो होने वाला दोस्तों ये पौधा है, तो एक बार ज़रूर अपने गार्डन में इसको ऐड करें। अगला जो पौधा है ये है, देखिए, ट्रेडस्केंथिया की वैरायटी है, वॉन्डरिंग ज्यू की ग्रीन वैरायटी है। देखिए, मैंने इसकी जो है ये इसमें से कुछ कटिंग लेकर मैंने इसमें लगा दी है, और बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। ये देखिए नीचे से इसमें से देखिए ब्रांचेस भी आ रही हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है जब कटिंग से जो है प्लांट रेडी होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है देख कर दोस्तों। अगला जो पौधा है ये देखिए, रियो का प्लांट है ये वाला, और एक ये है ग्रीन, तो दोनों ही जो है बहुत ही सुंदर लगते हैं, बहुत ही प्यारे लगते हैं। इनको भी आप हैंगिंग में चाहें तो लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ, मैंने तो लगा रखे हैं। ये देखिए, मैंने तो वेस्ट में ही लगा रखे हैं, देखिए बॉटल में लगा हुआ है, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इधर दिखा देती हूँ, ये देखिए, यहाँ पर मैंने इसमें ये भी बॉटल में लगा हुआ है, बहुत ही प्रिटी लगता है दोस्तों, बहुत सुंदर है, ज़रूर लगाएं इसको। अगला जो पौधा है ये है, देखिए, वाइट वेलवेट का, तो ये भी बहुत ही प्रिटी लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है। नीचे से इसमें से बेबीज निकलते रहते हैं, ये देखिए, तो बहुत ही अच्छा लगता है, इसको ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें। अगला जो पौधा है दोस्तों, ये देखिए, ये मोस रोज़ का और पर्सलेन है, बहुत ही सुंदर लगते हैं हैंगिंग में। अब तो इसकी फ्लावरिंग थोड़ी सी कम हो गई है, लेकिन बहुत ही अच्छे लगते हैं हैंगिंग के लिए, तो ये बेस्ट है। ये देखिए, मैंने यहाँ पर भी लगा रखे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं, ज़रूर अब इनको हैंगिंग में ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। दोस्तों, पर्पल हार्ट को भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए इसकी जो है ये फ्लावरिंग भी बहुत ही प्यारी लगती है, डार्क पर लाइट बहुत ही सुंदर लगता है। मैंने तो देखिए कोकोनट में लगा रखा है, तो बहुत ही अच्छा लगता है देखकर, और बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। दोस्तों, रेन लिली को भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं, ये देखिए मैंने तो वेस्ट में लगा रखा है, और इसमें देखिए कितनी अच्छे से फ्लावरिंग भी हो रही है, तो इसको भी आप रेन लिली को भी हैंगिंग में लगा सकते हैं। और मैंने इसी तरह से वेस्ट में लगा रखे हैं, लेकिन फ्लावरिंग लगातार होती है। ये देखिए, इसमें भी ये वाइट वाली रेन लिली है और वेस्ट में लगा रखी है, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है।
दोस्तों जेड प्लांट को भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं। ये देखिए मैंने लगा रखा है, वेस्ट में है लेकिन बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो रहा है। अगला जो पौधा है ये है देखिए स्ट्रिंग ऑफ बनाना। तो ये देखिए इसकी लंबी लंबी सी ब्रांचेज हो जाती है, बहुत ही सुंदर लगता है और पूरे पॉट को ये कवर भी कर लेता है। आप इसको हैंगिंग में लगाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा दोस्तों। और इसी के बगल में मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है देखिए चेन प्लांट, तो बहुत ही सुंदर लगता है। ऊपर से तो खैर बंदर ने तोड़ दिया लेकिन ये बहुत ही सुंदर लगता है। एक बार ज़रूर अपने गार्डन में इसको हैंगिंग में लगा कर देखे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अजवाइन के प्लांट को भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं, बहुत ही अच्छा ऑप्शन है हैंगिंग के लिए। और मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए मैं साथ साथ आपको दिखा भी देती हूँ कि कैसे लगेंगे। तो इससे जो है आप लोग बहुत ही आराम से आइडिया लगा सकते हैं। ये देखिए ये मैंने हैंगिंग में लगा रखा है और बहुत ही अच्छे से दोस्तों ये ग्रो हो रहा है। इधर देखिए चाइनीज़ वॉयलेट है, तो इसको भी बहुत ही अच्छा लगता है, ज़रूर हैंगिंग में ऐड करें, बहुत ही सुंदर लगता है। इसका मदर प्लांट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए कितनी दूर तक फैला हुआ है लेकिन बहुत ही सुंदर लगता है दोस्तों देखने में, तो ज़रूर लगाएं इसको हैंगिंग में। और ये है देखिए वाटरमेलन बिगोनिया, ये भी हैंगिंग के लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और ये देखिए ये है बेबी सनरोज़, तो इसकी हालत थोड़ी ख़राब है लेकिन मैंने इसकी बहुत सारी कटिंग्स लगा कर जो है प्लांट को शेव करने की कोशिश करी है। और इधर देखिए सीडम है, सीडम को भी आप हैंगिंग में ज़रूर लगाएं, बहुत ही अच्छा लगता है हैंगिंग में ये प्लांट। दोस्तों अल्टरनेंथ्रा को भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं, जिस तरह से देखिए मैंने लगा रखा है, बहुत ही सुंदर लगता है और बहुत ही अच्छा लगता है, इसके कलर बहुत ही अच्छे आते हैं। और यहाँ पर देखिए बोलिवियन जीव है, ये भी बेस्ट प्लांट है हैंगिंग के लिए। और उधर दिखा देती हूँ, ये देखिए ये मोंडोग्रास है, तो बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाती है, बहुत ही अच्छा लगता है देखकर हैंगिंग में। नेक्स्ट है देखिए ये कुछ अलग रेन लिली है, इसके छोटे फ्लावर होते हैं और पर्पल कलर के इसके फ्लावरिंग होती है, तो इसको भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं। मैंने वेस्ट में लगाकर हैंग कर रखा है दोस्तों, तो बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। मनी प्लांट तो बेस्ट प्लांट है ही हैंगिंग के लिए, देखिए इस तरह से हैंग कर सकते हैं मनी प्लांट को, बहुत ही अच्छा लगेगा देखने में, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो होता है हैंगिंग में। ये इंजॉय पोथोस है, तो इसको भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं। और इधर है ऑक्सीकार्डमम, तो ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, कटिंग से लग जाएगा और हैंगिंग के लिए तो बेस्ट है ही। ये स्विस चीज़ है, ये देखिए, तो इसको भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं, बहुत ही बेस्ट रहता है ये प्लांट हैंगिंग के लिए। तीनों ही प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं कटिंग से। ये देखिए इनमें एरियल रूट्स निकली हुई हैं, मैं दिखा देती हूँ, तो इससे जो है बहुत आसानी हो जाती है, ये देखिए तो आराम से ग्रो हो जाते हैं। ये देखिए इसमें भी, ये देखिए यहाँ पर है, ये है यहाँ पर, बहुत ही अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। ये फॉक्सटेल फर्न है दोस्तों, तो इसको भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं, बहुत आराम से ये ग्रो हो जाती है, बहुत ही अच्छी लगती है देखने में, पूरा पॉट ये कवर कर लेती है, बहुत ही अच्छे से ये ग्रो हो जाती है। ये है दोस्तों सीडम, तो सीडम को भी आप हैंगिंग में लगा सकते हैं और कटिंग से बहुत ही आराम से ग्रो हो जाती है। ये मैंने कटिंग ही लगाई थी, इसका मदर प्लांट ख़राब हो गया लेकिन कटिंग बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रही है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको आप कटिंग से बहुत आराम से हैंगिंग में लगा सकते हैं, बहुत ही इजीली ये ग्रो होने वाले पौधे मैंने आप लोगों को दिखाए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें एंड बाय बाय, टेक केयर एंड कीप गार्डनिंग।